इलाके में हमेशा कूड़ा करकट का जमावड़ा पड़ा रहता है, पर इसके जिम्मेदार कोई नहीं होता। आए दिन लोग इस वजह से परेशान रहते हैं, पर इस परेशानी का निवारण नहीं मिल पाता है। कचरों से निकलने वाली गंदगी और गंद से लोगों को ढेर सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। तब इस मुसीबत के बारे में वहाँ के नज़दीकी लोगों से हमारी टीम ने बात की तो उन्होंने बताया कि ऐसा कूड़ा करकट यहाँ जमावड़ा पड़ा रहता है। दिन में बीएमसी के लोग आते हैं लेकिन ठीक से यहाँ की सफाई नहीं करते। उन्होंने बताया कि रमज़ान का महीना चल रहा है, नवाजी भी इस रास्ते से आते जाते हैं और उन्हें भी इस गंदगी से गुजरना पड़ता है। चली आती है यहाँ पर, लेकिन आती है, साफ करती है, चली आती है, लेकिन उसके अलावा फिर कचरा तो भरा ही रहता है हमेशा। तो यहाँ के नगर सेवक क्या इस पर ध्यान देते हैं कभी? कचरा गाड़ी के लिए ध्यान देते हैं, बट आगे जो चौकअप आपने देखा होगा, जो आगे चौकअप है, लाइन ड्रेनेज बाहर आ रहा है, उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है अब तक। कितनी परेशानी होती है रोज यहाँ के आने जाने वाले लोग को? बहुत ज़्यादा होती है। रमजान का मौसम, रमजान के मौसम में लोग जो नमाज पढ़ने जाते हैं, नमाजी घर से नहा धोकर पाक होकर निकलते और बाहर आकर फिर नापाक हो जाते हैं, तो ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात है। आपसे आना चाहें कितनी परेशानी होती है? अरे इससे हदसे ज़्यादा परेशानी होती है, चलने में फिरने में, कचरा डिब्बे में डालते नहीं है, नमाजी लोग आते जाते, मगरिब के टाइम में भी कुछ सुझाई है ही नहीं इधर, तो परेशानी के ऊपर परेशानी यहाँ से लेके उस्मानी डेरी तक।